महाराज अगर एक बार दसों इंद्रियों से राम नाम ले लें तो राम नाम का फल क्या है? मान लीजिए हम कथा में भी आ गए, इसका फल बताओ तो सुनो। एक अमीर आदमी का बालक, सेठ तो बड़े धर्मात्मा थे, नाम था उनका टिल्लू गुरु। उनका बालक बड़ा धर्मात्मा, लेकिन ऐसा उचट्टा लगा कि छोटा वाला बालक एकदम उल्टा। बाप बेटा दोनों धर्मात्मा, पर छोटा वाला बालक एकदम अधर्मी, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। सत्संग जाओ, है ना, हम नहीं जाएंगे। कौन सत्संग में जाए, भगवान कौन समय बर्बाद करे, 3 घंटा बर्बाद करना। कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। तो सेठ जी बड़े परेशान, एक दिन अपने गुरुदेव से कहा, गुरु जी हमारा बालक बड़ा खतरनाक है, भगवान का भजन नहीं करता, जाप ताप नहीं करता, बड़े परेशान है, कोई उपाय बताओ। तो संत जी ने कहा कि एक काम करना, तो एक बार ले आओ, बाकी हम बुलाते रहेंगे, एक बार में काम हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध करके ले आए। महाराज बड़ी मुश्किल से आया है, दोबारा तो आने वाला नहीं, लठोर मारेगा, जो करना हो एक ही बार में मंत्र अंतर फूको। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा बोलो सीताराम। वो बोला क्यों बोले? महात्मा बोले ना बोलने से क्या होगा। बोले बोलने से क्या होगा? महात्मा बोले बोलो तो, पर बताएंगे क्या होगा, कुछ होगा पक्का पक्का। बोले लो सीताराम, बोल दिया, अब बताओ क्या हुआ। महात्मा बोले अभी कुछ नहीं पता लगेगा, जब तुम मर जाओगे तब पता लगेगा। बालक भी बोला अच्छे पागल है, मरने के बाद कौन देखने आया, और भाग गया। देवयोग का विषय, कालांतर में वो बालक मर गया। सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनना। जो कहते भगवान सीताराम कहने से क्या होता, एक बार उसने अपनी जिंदगी में केवल सीताराम कहा, वो मर गया। तो संत कृपा तो संत कृपा होती, कहते हैं गुरु कृपा तो गुरु कृपा होती। तो जब मरा उसे की विवेक जागृति तो थी ही, यमराज धर्मराज के सामने खड़ा हुआ। तो धर्मराज से बोला हमारा बही खाता निकालो। तो बही खाता निकाला तो दूतों ने बताया कि इसने जिंदगी में पाप ही पाप किए, सिर्फ एक बार सीताराम कहा, एक बार। तो धर्मराज ने कहा बताओ क्या चाहते हो। तो बालक ने, उस सेठ के बालक ने हाथ जोड़कर कहा कि हमने जिंदगी भर पाप किए तो नरक तो मिल नहीं है, लेकिन सीताराम का जो फल मिलता हो, हमने एक बार तो कहा है, वो फल दे दिया जाए। धर्मराज ने अपनी सभी बही खाता निकाल के ऊपर नीचे तक पढ़े, अब उसमें तो सीताराम का कहीं फल लिखा ही नहीं था। धर्मराज बोले यार भाई हमें पता नहीं है। बोले तो भरे ऐसे तो हम नरक जाने वाले नहीं है, तुम सब हमारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दोगे, घोटाला में चले जाओगे, घोटाला कर दोगे। तो पहले तो सीताराम का फल बताओ कि एक बार सीताराम कहा उसका फल क्या। अब हमें तो लग रहा है वो रहा होगा हरियाणा का आदमी, हाँ पक्का, ऐसे खतरनाक हटीले लोग हरियाणा में ही पाए जाते। और हरियाणा के लोगों से पूछो तुम भाई लड़ते क्यों, इतने खतरनाक क्यों। बोले महाराज क्या बताएं, हमारे साथ तो भगवान ने भी धोखा किया। एक हमारे बड़े स्नेही मित्र शिष्य हैं सुधीर जी, ये हरियाणा ही थे, उनसे पूछो कि भाई तुम लोग लड़ते क्यों। बोले हमारे साथ तो भगवान ने भी धोखा किया। उनका भगवान ने क्या धोखा किया। बोले वाह, रास रचाया वृंदावन, विद्या अध्ययन कर बे मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंचे, राजा बने द्वारका के, लड़ाई को टाइम में आओ सो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आ गए। तो हमने कहा बात भी ठीक है तुम्हारी बात भी, अब उसको नकारा तोड़ी जा। तो वो व्यक्ति खड़ा था धर्मराज के सामने, बोले हमने जिंदगी भर पाप किया, एक बार सीताराम का उसका फल निकालो, जो कछु निकालो। तो धर्मराज जी बोले भाई इसका फल तो हमें भी पता नहीं। तो लड़का बोला जहां ले चलो, जिसके पास पता हो ले चलो। ब्रह्मा जी लोग गए ब्रह्मा जी के पास। अब लड़का हाँ पालकी पे बैठा, रहे दूत ले जा रहे। ब्रह्मा जी बोले कैसे आए। अरे बोले एक नई आफत आ गई। ब्रह्मा जी बोले कौन सी आफत। अरे बोले जी भाई साहब ने जिंदगी भर पाप करो, एक बार सीताराम बोलो,
अब इनका कहना है कि जो सीताराम हमने एक बार तो बोला है उसका फल पहले दो। अब हिसाब किताब में जोनी नजर आ रहा हो कि फल का दे देंगे। अब एक बार का फल क्या होता? ब्रह्मा जी बोले इसका तो हमें भी नहीं है पता। तो कहा किसको पता होगा? बोले शंकर जी जिस दिन रात जाप करत रहा तो उन लो चलो। ब्रह्मा जी बोले इंटरेस्टेड केस, हम भी चलेंगे। अच्छा केस है। ब्रह्मा जी भी साथ साथ हो लिए शंकर जी के बाद के बोले बाबा महादेव। शंकर जी बोले खुश रहो। ब्रह्मा जी शंकर जी बोले कैसे ब्रह्मा जी चार चार मोले हैं कहां घूम रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले एक आफत आई। क्या? ये बालक है जीवात्मा, इसने जिंदगी भर पाप किए, एक बार सीताराम बोला है। अब इसका दावा है कि हमें जो सीताराम हमने एक बार बोला उसका फल दो। पहले क्या फल है वो निकाल के बताओ। पाप का तो नरक भोगने को तैयार है। शंकर जी बोले भाई इस नाम का फल तो जिनका नाम है वही बता सकते। लड़का बोला सुनो यहां से वापस मत ले जाना, जहां जा मिलना हो वहां ले चलो, उत्तर तो चाहिए हमें। फिर क्या? सांप देवता भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। सरकार हाँ बड़ी आफत हो गई। क्या? ये बालक है इसने जिंदगी में सिर्फ एक बार सीताराम कहा और जिंदगी भर पाप करता रहा, लेकिन एक बार तो सीताराम बोला है। अब ये फल मांग रहा है कि फल बताओ। राम जी बोले फल की हिसाब किताब तो कभी नहीं बन पाया, लेकिन इसको बता दो कि इसका फल यही है कि तू एक बार सीताराम जब किया है तो तीनों लोकों में पालकी में घूमता हुआ हमारे धाम को आ गया। इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? बालक को तब उस महात्मा की बात याद आई कि महात्मा ने कहा था एक बार कह लो क्या बिगड़ जाएगा। अब आज समझ में आया कि शायद जिंदगी भर सीताराम हृदय से कहा होता तो स्वयं राम जी हमें अपने लिवाने जाते। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न को, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि अग्र फल हो।